हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अगला टॉपिक ब्लड से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम बोले थे कि ब्लड में हम एक टॉपिक बताएंगे जिसमें पूछता है कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का बी है, तो उनसे जो उत्पन्न संतान होंगे उनमें कौन कौन ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहेगा और कौन कौन ब्लड ग्रुप नहीं होने की संभावना रहेगा बोले थे। लेकिन हम उससे पहले सोचे कि जब हम वो पढ़ाएंगे तो क्यों ना हम शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम ब्लड से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, यानी कि शुरू से स्टार्ट करते हैं, और जब पूरा हम ब्लड ख़त्म कर देंगे, ब्लड बहुत बड़ा चैप्टर है, जब ब्लड हम पूरा ख़त्म कर देंगे तो आप कोई भी बुक बनाइएगा, सभी क्वेश्चन बनेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड से। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड ब्लड की बात करते हैं यानी कि रक्त प्रवाह का बात करते हैं, तो रक्त प्रवाह का खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने 1628 में किया। विलियम हार्वे ने 1628 में किया, यानी समझना है कि ब्लड ग्रुप 1901 और 1900 देता है वो ब्लड ग्रुप का खोज क्या है, लेकिन हम धीरे धीरे हम सभी को बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो ब्लड यानी कि रक्त प्रवाह का खोज सबसे पहले 1628 में विलियम हार्वे ने किया, और ब्लड ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड कैसा ऊतक है तो बोलेंगे, देखिए ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। कभी कभी रीजनिंग में भी दे देता है इनमें से कौन ऊतक है, तो याद रखना है एक ब्लड भी संयोजी तरल ऊतक है, ठीक है। ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड का अध्ययन हिमाटोलॉजी में किया जाता है। ब्लड का अध्ययन किस में किया जाता है, हिमाटोलॉजी में किया जाता है। ब्लड का अध्ययन पूछेगा कि किस में किया जाता है तो क्या बोलिएगा, हिमाटोलॉजी में किया जाता है। और ब्लड एक कोलाइडी विलयन है, क्या है, कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी है। क्वेश्चन में पूछेगा कि ब्लड कैसा है, कोलाइडी है। ब्लड को याद रखना है ब्लड क्या है, तो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो ब्लड का जो पीएच मान होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। तो हम कहेंगे कि जब 7 से अधिक होता हम तो उसको क्षारीय बोलेंगे, क्योंकि ब्लड का जो पीएच मान है 7.4 है, तो इसका जो प्राकृतिक होगा क्षारीय होगा। क्यों, क्योंकि पीएच मान को हम 0 से 14 के रेंज में मापते हैं। पीएच मान को क्वेश्चन पूछेगा कि पीएच मान को कहां से कहां मापा जाता है, तो 0 से 14 तक मापा जाता है। सबसे पहली बात बोलेंगे पीएच मापन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच का खोज सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। तो पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और पीएच का खोज 1919 में सोरेनसन ने किया था। और पीएच को हम जो मापते हैं 0 से 14 के रेंज में मापते हैं, 0 से 14 के रेंज में मापते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 0 से 14 के रेंज में मापते हैं। पीएच मान कहां से कहां तक मापाता है क्वेश्चन में पूछेगा, कई बार पूछ चुका है, तो बोलना है 0 से 14 तक मापाता है। उसके बाद ध्यान देना है 0 से 14, और बीच में हम यहाँ पर रखेंगे 7। यदि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय कहलाता है, क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। 7 से अधिक रहेगा क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। और यदि जिसका पीएच मान 7 ही रहेगा, न ज्यादा न कम, तो उसको हम उदासीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। तो हम कहेंगे कि यदि पीएच मान यदि 7 से कम हो तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय होगा, और यदि पीएच मान 7 हो तो उदासीन होगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, आप जानते हुए भी आंसर नहीं लगा पाते होंगे कि पीएच यानी कि जो ब्लड होता है क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि उदासीन होता है। तो आप तो जानते हैं कि पीएच मान 7.4 होता है, लेकिन कहते हैं कि वो तो हमको पता नहीं है।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब सात से अधिक रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्षारीय बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्षारीय बोलेंगे। तो आपको याद रखना है पीएच का खोज सोरेनसन ने किया था 1909 में, और पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और इसको 0 से 14 तक रेंज में मापा जाता है, 0 से 14 के रेंज में मापा जाता है। और बात करेंगे जो शरीर में जो ब्लड होता है, शरीर में जो ब्लड होता है पूरे वजन का 7% होता है। पूरे वजन का 7% कहने का मतलब हुआ, यदि कोई व्यक्ति 100 kg का है तो 100 के 7% हम निकालेंगे तो 7 kg आ जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति 100 kg का है तो उसमें ब्लड 7 kg हो जाएगा। लेकिन देखिए मनुष्य ऐसे एवरेज 60 से 70 kg के होते हैं, इसलिए एवरेज में दिया जाता है कि समान मनुष्य का जो ब्लड होता है कितना होता है, समान मनुष्य में ब्लड जो होता है 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर इसलिए होता है कि जो समान मनुष्य होता है वो एवरेज 50 से 60, 70, 80 के एवरेज में वजन होता है, और वजन का मात्र 7% होता है। इसलिए बोलता है ना कि मनुष्य में जो ब्लड होता है कितना लीटर होता है जी, तो कहते हैं 5 से 6 लीटर। लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा कि जो वजन के हिसाब से कितना प्रतिशत होता है, तो वजन के हिसाब से 7% होता है ब्लड, और स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और महिला में जो ब्लड होता है पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। आधा लीटर कम कहने का मतलब ये हुआ कि देखिएगा पुरुष जितना हेल्दी होता है, जितना उसका वजन होता है, महिला एवरेज में उतना नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उसमें ब्लड कम पाया जाता है। अभी तो खुद बोले कि जो ब्लड पाया जाता है वजन का 7% होता है, और अधिकांश महिलाएं एवरेज जब लीजिएगा तो पुरुष की अपेक्षा वजन में कम होते हैं, इसलिए महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। ये नहीं समझना है कि दिमाग कम होता है महिला को, ऐसा नहीं समझना है, ठीक है ना, महिला के भी दिमाग बहुत होता है, ठीक है ना। तो याद रखना है पुरुषों में जो ब्लड होता है 5 से 6 लीटर, और महिला में जो ब्लड होता है उनसे आधा लीटर कम होता है। आधा लीटर कम होने का यही रीजन है कि देखिएगा कि जो ब्लड होता है वजन का 7% होता है, और एवरेज महिला पुरुषों के अपेक्षा वेट में कम होता है। वेट में कम रहने के कारण उनमें आधा लीटर वजन ब्लड कम होता है। कितना कम होता है, आधा लीटर ब्लड कम होता है। और रक्त में भी देखिएगा कि इसमें पोषक तत्व प्रवाह होते हैं। रक्त में, रक्त का काम भी पोषक तत्व को प्रवाह करना। रक्त में ही गैस भी प्रवाह होता है। जैसे मैं आप ऑक्सीजन बोलिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बोलिएगा, ये सब गैस है, तो रक्त में ही प्रवाह होता है, ठीक है ना, रक्त में ही प्रवाह होता है। तो आपसे पूछेगा कि रक्त यानी कि पूरे वजन का कितना प्रतिशत होता है, तो आपको कितना बोलना है, पूरे वजन का रक्त 7% होता है। कितना होता है, 7% होता है। और बात करते हैं रक्त की, तो रक्त का निर्माण यानी कि व्यस्क में जो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो हम कहेंगे व्यस्क मनुष्य में रक्त का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता, अस्थि मज्जा में होता। आप सब जानते होंगे कि अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन अस्थि मज्जा कहता किसको है, तो आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं। कभी आप मुर्गा खाए होंगे या पटरू का मांस खाए होंगे, तो उसमें बड़ा बड़ा हड्डी निकलता है ना। हड्डी को देखिएगा ना, जब बनाइएगा तो उसमें खोली रहता है, तो आप चूसते हैं तो उससे जो अस्थि मज्जा है ना, वही खोली में अस्थि मज्जा बनता है। जब आप अच्छी तरीका से बन जाता है तो ही ब्लड को आप खींच के यानी कि खाते हैं। तो याद रखना अस्थि मज्जा किसको बोलता है, जो बड़ा बड़ा हड्डी होता है ना, बीच में खोली होता है, उसी में ब्लड का निर्माण होता है, उसी को हम अस्थि मज्जा बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। और ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जो आप बोलने की बड़ा बड़ा हड्डी होता है और उसे जो खोल होता है उसी में ब्लड बनता है, उसी को अस्थि मज्जा बोलते हैं, ठीक है ना। और बात करेंगे
और ब्लड जमा कहाँ होता है? तो ब्लड जमा स्प्लीन या तिल्ली में होता है। ब्लड कहाँ जमा होता है? स्प्लीन या तिल्ली में। तो देखिएगा, जहां जमा होता है उसको बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। जहां जमा होगा उसको क्या बोलेंगे जी? बैंक बोलेंगे ना। तो बोलेंगे कि ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? तो अभी बोले कि जो ब्लड जमा होता है स्प्लीन या तिल्ली में, तो जहां जमा होगा वही ना बैंक बोलेंगे जी। तो बोलेंगे कि ब्लड बैंक अस्थि मज्जा को बोला जाता है। ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? अस्थि मज्जा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अस्थि मज्जा को बोला जाता है। और बात करेंगे, ये तो बोले कि व्यस्क में जो ब्लड बनता है अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन जब भ्रूणावस्था होता है ना, भ्रूणावस्था होता है तो ब्लड जो बनता है यकृत में बनता है। ब्लड जब बनता है यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। और याद रखिएगा, और ब्लड का निर्माण मेसोडर्म में होता है। ब्लड का निर्माण किस में होता है? मेसोडर्म में। ब्लड का निर्माण किस में होता है? क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड का निर्माण किस में होता है, तो आप क्या बोलिएगा? एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म दे देगा। तो आपको क्या मानना है? बोलना है मेसोडर्म में ब्लड का निर्माण होता है। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो विभिन्न अंग किसमें किसमें बनते हैं वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहली बात बोलेंगे, ये जो बाहरी साइड दिया हुआ है एक्टोडर्म, इसमें त्वचा बनता है, जो बाहरी साइड हम इसको बोलेंगे एक्टोडर्म। सबसे पहले अंदर से चलेंगे, तो अंदर में इंडोडर्म, इंडोडर्म हम यहाँ लिखे हैं। तो भ्रूण में सबसे पहले, भ्रूण में सबसे पहले यकृत बनेगा, फेफड़ा बनेगा, किडनी बनेगा, अग्नाशय बनेगा, थायराइड ग्रंथि बनेगा, ये सब कहाँ बनेगा? तो क्वेश्चन पूछेगा कि यकृत और फेफड़ा का निर्माण किस में होता है? तो इंडोडर्म में होता है। वैसे भी भ्रूण जब अवस्था रहता है ना, तो पहले हड्डी नहीं बन जाता है, पहले त्वचा नहीं बन जाता है, सबसे पहले ये सब का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा? यकृत, फेफड़ा, किडनी, अग्नाशय, थायराइड, तो इसका निर्माण होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फेफड़ा चाहे किडनी या यकृत का निर्माण, यकृत का निर्माण कहाँ होगा? तो बोलिएगा इंडोडर्म में होगा। कहाँ होगा? इंडोडर्म में होगा। कि कहाँ होगा? इंडोडर्म में होगा। और यदि बोलेगा कि ब्लड का निर्माण कहाँ होगा भ्रूण अवस्था में, तो इसमें जाना है। देखिए मेसोडर्म यानी कि मेसोडर्म बीच वाला है, मेसोडर्म में ब्लड बनेगा, हड्डी बनेगा, हार्ट यानी हृदय बनेगा और कार्डियल मसल्स बनेगा। कहाँ? मेसोडर्म में। क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है कि जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म है इसमें क्या क्या चीज का निर्माण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, मेसोडर्म में हड्डी बनेगा, हृदय बनेगा और कार्डियल मसल्स और ब्लड बनेगा। क्वेश्चन पूछता है कि कार्डियल मसल्स का निर्माण किसमें होता है? तो बोलना है मेसोडर्म में होता है। बोलेगा कि फेफड़ा का निर्माण किसमें होगा? तो आप तो बोल दिए थे कि जब भ्रूण अवस्था रहता है तो सबसे पहले निर्माण होता है, तो सबसे पहले निर्माण अंदर, तो अंदर में क्या हो जाएगा? यकृत, लीवर, फेफड़ा, किडनी, अग्नाशय, ये सब किसमें आ जाएगा? इंडोडर्म में होगा। वैसे भी सबसे पहले यही सब अंग बनता है, ठीक है ना। उसके बाद बोलेंगे, क्वेश्चन ब्लड का बोला था ना कि ब्लड का निर्माण किसमें होता है, तो ब्लड का निर्माण मेसोडर्म में होता है। उसके बाद बोलेंगे कि त्वचा का निर्माण किस में होता है, त्वचा का निर्माण सबसे लास्ट में एक्टोडर्म, बाहरी परत, बाहरी परत इसमें त्वचा का निर्माण होता है, जो बाहरी परत है ये त्वचा का निर्माण होता है बाहरी में, ठीक है ना। लेकिन बोलेगा हड्डी का निर्माण किस में होगा, तो किस में मारना है? हार्ट, हृदय या कार्डियल मसल्स, मेसोडर्म में मारना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ज्यादा हार्ड करता है ना साइंस में तो ये सब जरूर पूछता है, ठीक है। चलो आगे ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। अंदर वाला जो भाग होता है, अंदर, अंदर कहने से समझ में आ गया, अंदर यानी कि इन, इंडोडर्म, अंदर इंडोडर्म, सबसे पहले भ्रूण अवस्था में यहीं से निर्माण होगा, फेफड़ा निर्माण होगा, लीवर निर्माण होगा, ये सारे जो दिया हुआ है, किडनी निर्माण होगा, अग्नाशय निर्माण होगा, थायराइड ग्रंथि निर्माण होगा, थायमस निर्माण होगा, सब इंडोडर्म में होगा। और भ्रूण अवस्था की पहली अवस्था में यही सब निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा की बात करेंगे,
तो मेसोडर में ब्लड बनेगा, कार्डियल मसल्स बनेगा, कार्डियल मसल्स बनेगा, ब्लड बनेगा और क्या बनेगा, और हृदय बनेगा, सब मेसोडर्म में। और सबसे बाहरी जो होता है एक्टोडर्म, त्वचा बनता है। जैसे में बाहर में भी त्वचा है ना, ये तीनों याद रखना, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला जो है प्लाज्मा है और दूसरा रुधिर अणु है, यानी कि रक्त कण है। रक्त में जो प्लाज्मा होता है, रक्त में प्लाज्मा 55-60% पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा कितना पाया जाता है? 55-60% यानी कि पाया जाता है। और प्लाज्मा में जो जल पाया जाता है, कितना पाया जाता है प्लाज्मा में जल? तो प्लाज्मा में जल 90% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 90% पाया जाता है। और बात करते हैं प्लाज्मा में, प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा एक हल्के पीले द्रव होता है। प्लाज्मा क्या होता है? एक हल्के पीले द्रव होता है। और प्लाज्मा में ही दो प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं। एक का नाम फाइब्रिनोजन है जो थक्का जमाने में मदद करता है, और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन है। दूसरा कौन है? प्रोथ्रोम्बिन है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब प्लाज्मा से आप फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है इसको निकालिएगा तो सीरम का निर्माण होता है। सीरम का निर्माण होता है जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लीजिएगा तो सीरम का निर्माण होगा। यानी कि उसमें क्या बचता है? सीरम बचता है। क्वेश्चन पूछता है कि सीरम क्या है, तो हम कहेंगे प्लाज्मा में एक प्रोटीन फाइब्रिनोजन है ना, उसको निकाल लेंगे तो वही बचेगा सीरम। क्या बचेगा? सीरम। या तो ये भी पूछता है कि प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत, तो प्लाज्मा में जल 90% होता है। और दूसरे तरफ की बात करें रक्त कण, तो जब ये 55-60% प्लाज्मा हो गया, 100% होता है, तो रक्त कण कितना? 40-45% होगा। कितना होगा? 40-45%। अब बात करते हैं इसमें भी आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। क्या क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। इस सब के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का हम एक अन्य नाम से जानते हैं, इसको हम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है आरबीसी का एक अन्य नाम क्या है, तो आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट है। और प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है, तो प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट है। तो एक अन्य नाम जो है ये याद रखिएगा, और इसके बारे में अभी बहुत डिटेल से पढ़ना है। इसी तरह से हम धीरे धीरे, और कम से कम 3 वीडियो से कम नहीं लगेगा, क्योंकि ब्लड बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर किसमें ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे, फिर एंटीजन, किसमें एंटीबॉडी है, किसमें एंटीजन है, किसमें पाया जाता है, ये पढ़ाएंगे। फिर हम अगला जो बोले थे कि पिता का ब्लड ग्रुप है, माता के ए बी है या ए है, तो बच्चों में होने वाला वो सब, तो हम देखते हैं कि कम से कम 2-3 वीडियो जरूर में पूरा होगा। तो आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट है। और डब्ल्यूबीसी का जो काम होता है ना, एक तरह से सिपाही के जैसा काम है। एक तरह से आप कहते हैं शरीर का बॉडी गार्ड के रूप में भी डब्ल्यूबीसी का काम करेगा। डब्ल्यूबीसी काम पुलिस के ही जैसा करेगा, क्योंकि ये जो है डब्ल्यूबीसी रोगी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद हम तीनों के बारे में और अच्छी तरीके से डिटेल से और पढ़ेंगे। आज भर इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, बस आज भर इतना ही। अगला वीडियो में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि जब पूरा ब्लड पढ़ाएंगे तो आप प्रीवियस क्वेश्चन या कहीं कोई भी बुक पढ़िएगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो क्या कहें, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।